हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट रिम जिम, उसमें चैप्टर नंबर 9, लेसन नंबर 9 है बंदर और गिलहरी। इस चैप्टर में हम बंदर और गिलहरी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पिक्चर यहाँ पे दिया गया हुआ है। बंदर है वो पेड़ पर सोया है, बैठा है, और उसके पीछ पर गिलहरी है वो लटक रही है। तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। तो देखिए एक बंदर है, वो पेड़ पर बैठा हुआ है। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। बंदर की देखो पूंछ हम देख रहे हैं बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। इतनी लंबी थी कब तक जमीन तक वो लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। एक गिलहरी, देखो एक गिलहरी है ना, वो जमीन पर उछल कूद कर रही थी। यानी कि बंदर है वो पेड़ पर बैठा हुआ है, उसकी पूंछ बहुत लंबी है, तो वो लंबी पूंछ है वो कहाँ पर जमीन तक है, और गिलहरी है वहाँ पर उछल कूद कर रही थी। अचानक से पूंछ दिखाई दी उसको। पूंछ कैसी, वहाँ पे जो बंदर की पूंछ थी वो गिलहरी को दिखाई दी। उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया। तो गिलहरी ने सोचा कि ये झूला कहाँ से आ गया, यहाँ थोड़ी देर पहले तो नहीं था, या थोड़ी देर पहले तो कुछ नहीं कहने रह दे रहा था, अभी झूला कैसे हो गया। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। और वह पूंछ पर चढ़कर क्या करने लगी, झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई, यानी बंदर को थोड़ी सी गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा, वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी यहाँ क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। उसे गुदगुदी हुई तो उसने नीचे देखा, तो नीचे क्या था, गिलहरी है वो उसकी पूंछ पर झूला झूल रही है। तो बंदर हंसकर बोला कि बहन ये गिलहरी तुम क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी, बंदर भैया यह तुम हो। गिलहरी वो चौंक गई, स्क्विरल है वो चौंक गई। अरे बंदर भैया ये तुम हो, मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कोई झूला है, इसलिए उसको ऐसे समझकर झूल रही थी, बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसते हुए पेड़ की डाली पर चढ़ गई। ये झूला झूलने में मुझे बहुत मजा आ रहा था, और एक ऐसा कहकर वो डाली पर चढ़ गई। तो फ्रेंड्स, ये पूरा चैप्टर है, इसमें एक गिलहरी और बंदर की बात की गई है। बंदर है उसकी पूंछ है बहुत बड़ी है, और गिलहरी क्या समझिए कि पूंछ है वो झूला है, तो वो झूले पर झूलने लगी। फिर बंदर को क्या हुई, गुदगुदी हुई, तो उसने बोला कि ये मेरी पूंछ है, कोई झूला नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, गप्पे गप्पे, या सिर्फ हमें हंसना है। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी जैसे सड़क। यानी बंदर की पूंछ कैसी लंबी थी, तो सड़क जैसी लंबी थी। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे घास या फिर जंगल। घने क्या होते हैं, घास होते हैं, जंगल होते हैं, दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे पहाड़, पहाड़ जैसा मोटा था। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे आसमान। चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे चींटी। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे जलेबी। कोयल की आवाज, यहाँ पे लिखना है कोयल की आवाज इतनी मीठी थी जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ले जैसी मीठी। या फिर आपको जैसे दूसरा कोई मिठाई का नाम लगे तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमने यहाँ पे गप्पे लगाए। अभी है गुदगुदी। गुदगुदी कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई, अपने दोस्तों को गुदगुदी करो।
पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर, क्या हुआ? अब खुद को गुदगुदी करके देखो, अब क्या हुआ? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें गुदगुदी जैसे बंदर को हुई, वैसे अपने फ्रेंड को आप गुदगुदी कर सकते हो। कहाँ पे कर सकते हो? अगर आप पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर, यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, टच करोगे, स्पर्श करोगे, या फिर घिसोगे अपना हाथ दूसरे के ऊपर, तो क्या होगा? उसे गुदगुदी होगी। और हमें खुद को भी हमारे हाथ से ऐसा करोगे तो भाई गुदगुदी होगी। देखिए यहाँ पे ये बिल्ली को गुदगुदी हो रही है। अभी क्या करोगे? गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला, तुम इन चीजों से क्या क्या करोगी, करके दिखाओ। तो पहला है रुमाल। देखो गिलहरी है, उसने क्या किया, तो उसने झूला झूला पूंछ से। तो हम इन चीज वस्तु से क्या कर सकते हैं? रुमाल है, पेंसिल है और फूटा है, फूटा यानी स्केल। सो हम देखो रुमाल से क्या करते हैं, तो मुंह ढक सकते हैं, मुंह ढकना। उसके बाद रुमाल से क्या कर सकते हैं हम? रुमाल से हम गेंद बना सकते हैं, गेंद बनकर खेल सकते हैं। पेंसिल, पेंसिल को हम क्या कर सकते हैं? पेंसिल को एक तो लिख सकते हैं, लिखना, और दूसरे को अगर गुदगुदी करनी हो तो वैसे भी कर सकते हैं हम, इसको टच कराकर, या फिर इसे काट सकते, खुचा सकते हैं, किसी को मस्ती करनी हो तो ऐसे हम पेंसिल से कर सकते हैं। अभी फूटा, फूटा से फूट स्केल से हम क्या कर सकते हैं? तो हम स्केल से जो है वो हमारे लाइन खींच सकते हैं, और स्केल से हम क्या कर सकते हैं? आवाज़ कर सकते हैं, पेंसिल से भी हम आवाज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या क्या तुम जो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला, इनके अलावा तुम क्या क्या खाते हो? तो यहाँ पे हमें लिखना है रोटी, सब्जी, फल, आम, फल में सभी जैसे सेब, आम, ये सब आप लिख सकते हो। मिठाइयाँ, दही, घी, ये सब। मुझे तो दूध भात बहुत पसंद है, यानी दूध भात उसे पसंद है। अभी गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी? तो गिलहरी है वो सब फल है, पेड़ पे लगते हैं सब फल, जिसमें वो आम है, सेब है, अखरोट है। गिलहरी को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अखरोट पसंद है। बंदर क्या क्या खा लेता होगा? तो बंदर है जो पेड़ के ऊपर सब जो फल लगते होंगे वो सब खाता होगा। अभी आगे कौन कौन? मैं बहुत उछल कूद करती हूँ, ये बिल्ली है बहुत उछल कूद करता है। जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा? तो पहले गाय, तो गाय नहीं करती है। शेर, जो शेर भी बहुत ज़्यादा उछलता नहीं है। गद्दा, तो गद्दा करता है। गिलहरी भी कर सकती है, हाथी नहीं कर सकता। खरगोश भी करता है, बिल्ली भी करती है, चूहा करता है, कुत्ता है वो नहीं करता, ऊँट है भी नहीं करता। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, ये सब इसमें। अगर आप गद्दा निकाल दो तो ये सब आ जाएगा उछल कूद करने में। गद्दा निकाल दो, गद्दा उछल कूद जितनी गिलहरी और बिल्ली चूहे जैसी नहीं कर सकता, इसलिए आपको यहाँ लिखना है ये सब नाम है वो यहाँ लिखना है। उछल कूद करते हैं, उछल कूद नहीं करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी के पिक्चर दिए गए हैं। शेर है, कुत्ता है, ऊंट है, गाय है, गद्दा है, चूहा है, बिल्ली है, गिलहरी है और हाथी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में हमने क्या देखा? तो बंदर और गिलहरी की जो एक स्टोरी थी वो सुनी, कि कैसे गिलहरी ने, उसे पता नहीं था, उसकी पूंछ से वो झूला झूल रही थी और बंदर को गुदगुदी हो रही थी। उसके बाद हमने सब गप्पे लगाए कि क्या क्या उसमें होगा, और उसके बाद गुदगुदी कहाँ कहाँ पे होती है। आप ये ट्राई कीजिएगा अपने घर पर, अपने फ्रेंड के साथ, या फिर अपने भाई बहन के साथ आप ये ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हमने सब क्वेश्चन आंसर देखे, और कौन सा उछल कूद करता है, कौन सा उछल कूद नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 9 है बंदर और गिलहरी, वो कंप्लीट कर लिया है।
इसका सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। थैंक यू।